आज सफ़ेद बालों को काला करने का एक ऐसा तरीका आपसे शेयर करने वाले हैं जो आप चुटकियों में ही अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है और मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छे से ये सफ़ेद बालों को जड़ से काला करता है और आप देख भी सकते हैं। और हमें चाहिए एक ग्लास पानी, एक ग्लास ही आपको पानी लेना है क्योंकि मैं 15 डेज के लिए बनाकर सेव कर रही हूँ। सिर्फ एक बार आप लगाइए, खुद आप अपने बालों में फर्क नजर आएगा आपको। अब देखिए गाइस, मेन इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमारा होगा वो है आंवला, और यहाँ पर आपको ड्राई आंवला ही लेना है, आपको मार्केट का जो है पाउडर नहीं चाहिए। हम चीज सब सामान इसमें ड्राई ही डालने वाले आज क्योंकि, और आपको सारे इंग्रेडिएंट ड्राई चाहिए। आप देखिएगा दूसरा इंग्रेडिएंट, ये मैं आपको वीडियो के जो है बीच में बताऊंगी ये इंग्रेडिएंट क्या था, थोड़ा सा हम ये लेंगे। ये हमारे बालों को जिंदगी भर के लिए काला कर सकता है, ये वही इंग्रेडिएंट है जो आपके सफेद हुए बालों को हमेशा के लिए काला कर देगा, साथ ही प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर आपका हमेशा के लिए दूर कर देगा। देखिएगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइएगा जरूर ये इंग्रेडिएंट क्या था। और देखिएगा कुछ इस तरीके का, ये आपके बालों को जीवन भर के लिए काला कर सकता है, ये वही चीज है। और ये जो है सर्दी गर्मी में चेंज आती है, देखिएगा विंटर्स में इस तरीके की मिलेगी अगर आप जो गर्मियों में इसे लेंगे, और इसका नाम वीडियो के जो है बीच में बताऊंगी मैं, तो पूरी वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। इस तरीके से ये देखिएगा, मैंने देखिएगा फ्रेंड्स ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है रतन थल इंग्रेडिएंट मैंने लिया है, ये रतन जोत। इस तरीके से ये देखिएगा, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी गैस का फ्लेम बंद है क्योंकि हम इसमें इंग्रेडिएंट ही ऐड कर रहे हैं। अब देखिएगा ये फोर्थ इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ, ये देखिएगा ये है मेथी, और बालों में हैवी प्रोटीन ये देगी जो आपके बालों को घना बनाएगी और बालों का टूटना झड़ना भी आपका बंद कर देगी। अब देखिएगा इसमें डालना होगा वो है ये देखिएगा अलसी, अलसी जो है अलसी में ओमेगा 3 होता है, कम से कम 2 चम्मच के करीब आप इसमें डालिएगा अलसी। अलसी से हमारी स्किन क्या, हमारे बाल भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, वॉल्यूम अच्छा आता है। देखिएगा विंटर्स में आप जो है अपने हेयर्स में ना कोई डाई लगा सकते हैं ज्यादा देर तक, कुछ भी नहीं लगा सकते, लेकिन जो आज मैं इंग्रेडिएंट आपसे रेमेडी शेयर कर रही वो आप लगा सकते हो और आपके बाल हमेशा के लिए इससे काले रहेंगे, घने रहेंगे, मजबूत रहेंगे। अब देखिएगा अब इसमें हमें जो डालना होगा, देखिएगा ये मैं आपको बता देती हूँ, ये कलौंजी, और कलौंजी जीवन भर के लिए आपके बालों को काला बनाती है, तो कलौंजी स्केप बिल्कुल ना करें, तो कलौंजी तो आपको जरूर से मैं डालनी है। इस तरीके से अभी गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ मैं, देखिएगा फ्रेंड्स गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, और देखिएगा आपको दिखा देती हूँ मैं, ये है एलोवेरा, इस तरीके से आपको इसमें डाल देने हैं, फ्रेश ही डालने हैं, और 15 डेज ये बिल्कुल बेकार नहीं होगी जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और इसमें एक इंग्रेडिएंट हम और डालेंगे जो हमारे बालों को, सफेद बालों को कवर आउट कर देगा, आपके बाल जो है काले कर देगा तुरंत से। देखिएगा फ्रेंड्स ये जो है गर्म होना अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं कलर भी बदल गया। अब इसमें हम एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, देखिएगा वो ये चीज है, और ये चीज जो है आपके सफेद बालों को तुरंत से कवर आउट भी करेगी और काला करेगी। इस तरीके से हम डाल देते हैं इस चीज का, और ये है काला कत्था फ्रेंड्स, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आपको जो है पंसारी की शॉप पर भी मिल जाएगा। इस तरीके से हमने डाल दिया है वो ही चीज जो सफेद बालों को जड़ से आपके कवर आउट करेगी, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में सफेद बाल हम चाहते कि इंस्टेंट नहाते नहाते ही हमारे बाल जो है कवर आउट हो जाए, हमारे बाल जो है कवर हो जाए, तो उसके लिए आपको डालना है काला कत्था। फ्रेंड्स अगर आपका काला कत्था ओरिजिनल है तो आपको काला कलर देगा, देखिएगा फ्रेंड्स कितना ज्यादा डीप ब्लैक इसका कलर आया, तो हम इसे पकने देते हैं। पकने के बाद जब आधे ग्लास रह जाता है तभी हम गैस का ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बीच में अच्छे से जरूर से चलाइए, देखिएगा आप ये आयरन की कढ़ाई इसके संपर्क आंवले वगैरह के संपर्क में आने के बाद, ये देखिएगा फ्रेंड्स कितना डीप ब्लैक कलर ये आपको देगी, बहुत अच्छा जो है। आज हम रेमेडी रेडी कर रहे हैं और इस रेमेडी को आप हेयर में लगाएंगे, तो आप हेयर इससे वॉश करेंगे तो खुद देखेंगे आपके सफेद बाल जो है जड़ से काले हो चुके हैं, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर भी आपका इसी से दूर हो जाएगा। की रिक्वेस्ट से शेयर कर रही हूँ, काफी लोगों का मेरे पास कमेंट आता है मैम कोई अच्छी सी रेमेडी ऐसी बताइए जिससे हम नहाते समय अपने हेयर में लगाए और हमारे बाल जो है नेचुरल तरीके से काले हो जाए। ये देखिएगा फ्रेंड्स ये वही चीज है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला कर देगी, देखिए देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है अच्छे से इसे चलाते जाना है। देखिएगा फ्रेंड्स एक ग्लास का ये कुछ कम रह गया है, इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना रह गया है, आधा ग्लास रह गया, और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद, और अब मैं इसे पूरी ओवरनाइट के लिए इस कढ़ाई में ही छोड़ दूंगी, क्योंकि तभी ये वर्क करेगी जब आप इसे पूरी रात के लिए इस कढ़ाई में छोड़ेंगी, और सुबह हम इसका कलर आपको दिखाएंगे और ये बहुत अच्छे से आपके बालों को काला बनाएगी, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट डे ही मैं इसको आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैं इसे ढककर रख देती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स सुबह मॉर्निंग हो गई और हम देखते हैं, ये देखिएगा फ्रेंड्स कितना ज्यादा जो है डीप ब्लैक आया है, ये देखिएगा फ्रेंड्स,
और ये जो है ये इस तरीके का बनकर रेड हुआ है, ये आपके बालों को काला करेगा, बालों को काला तो करेगा साथ ही आपके बालों को घना बनाएगा, चमकदार बनाएगा। कितना ज्यादा प्यारा इसका कलर आया है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डीप ब्लैक कलर आया है। और ये ओरिजिनल हमारे बालों में, ओरिजिनल तरीके से बनी हुई चीज जो होती है हमारे बालों में डीप कलर तो देती है, साथ ही वॉल्यूम अच्छा करती है, झड़ने से रोकती है आपके बालों को। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको खाली एक बॉयल ले लेना है और आपको स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेना है इस तरीके से, और आपको इसे इंग्रेडिएंट को नहीं फेंकना, आप इसे एक बार इस्तेमाल और कर सकते हैं, इसे फ्रीज में रख दीजिए 7 दिन तक, आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं और ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है जो एलोवेरा आपको जेल डालना है, थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल और डाल दीजिए, क्योंकि एलोवेरा बालों के लिए वरदान के समान है और आपके बालों को काला करता है, साथ ही आपके बालों को घना बनाता है, बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अच्छे से इस तरीके से, और आपको जब दोबारा बनाना है तो इसमें काला कत्था जरूर से ऐड करना होगा। आप देखिएगा, मैं बता देती हूँ, मैंने बीच में एक आपसे इंग्रेडिएंट कहा था कि जो मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगी वो इंग्रेडिएंट क्या था। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पूरी तरीके से इसे दबा कर निकाल लेना है इसमें से, इस तरीके से, क्योंकि हमने इसमें मेथी डाली थी जो बालों में झड़ना टूटना बंद कर देगी इस तरीके से। आप ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये बनकर इस तरीके का हमारा जो है रेडी हो चुका है, और इसे हम बनाएंगे काला शैम्पू। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये है भृंगराज, इस तरीके का ड्राई फॉर्म में भृंगराज जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा और वही आपको डालना है, और ये जीवन भर के लिए आपके बालों को काला बना सकता है, इतना अच्छा पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है भृंगराज। ये देखिएगा इस तरीके का जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है इस तरीके से, और इसमें जो है एलोवेरा की गुडनेस भी है, साथ ही इसके अंदर जो है अलसी है, अलसी हमारे बालों में ओमेगा 3 देती है, हमारे बालों को घना कर देती है इस तरीके से। अब आपको डालना है आपका रेगुलर शैम्पू, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसमें शैम्पू ऐड कर देना है, और आप यहाँ पे 2 चम्मच तक इसमें शैम्पू, 2 से 3 चम्मच तक शैम्पू आप इसमें ऐड कर छोड़ सकते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 2 से 3 शैम्पू चम्मच कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच के करीब शैम्पू आपको इसमें ऐड कर देना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और अब मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, 10 मिनट तक अपने बालों में लगाइए, फिर आपको जो है नॉर्मल वाटर से आपको हेयर को वॉश कर लेना है, अच्छे से मसाज कीजिए अपने बालों की इस तरीके से। ये देखिएगा, और इसे आप सेव करके रख लीजिए, ये काला शैम्पू आपके बालों को काला कर देगा हमेशा और जीवन भर के लिए, आपके सफ़ेद बाल जड़ से काले होंगे, जो प्री मैचो ग्रेइंग हेयर है वो तो दूर होंगे, साथ ही अच्छा वॉल्यूम देगा यह बालों के अंदर। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए, देखिएगा इस तरीके से, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये शैम्पू आपके बालों को काला कर देगा। देखिएगा कितना अच्छा जो है डीप कलर का शैम्पू बनकर हमारा रेडी हुआ है।